श्याम के नाम से था, पड़ा था तड़प, और एक एल्बम बना तेरी सेवा को प्रणाम हनुमान जी भी बना, और नवरात्र में हम लोगों ने एक एल्बम किया आए माता के नवरात्र, तो इस एल्बम के नाम से काफ़ी लोगों ने सुना, काफ़ी अप्रिशिएट किया, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान दूसरा नाम आता है परम नंदन भैया का। लोगों के कानों में वो यूट्यूब के द्वारा सुना लोगों ने, तो उस भजन के माध्यम से उन्होंने हमको बताया, बुलाया हमको कि भैया हम आपके आपके भी वो आपका भजन सुना हम लोगों ने, और काफ़ी आप अच्छा कर रहे हैं गोंडा के लिए, हैं और अच्छा किया अभी तक, तो हम चाहते हैं कि आपको सम्मानित करना। पहले तो मैं भाग रहा था, लेकिन प्रमोद भैया की जिद और प्रमोद भैया का इतना प्यार था कि मुझसे रहा नहीं गया। चूँकि आप जनपद गोंडा के मूल निवासी हैं जी, ऐसे में मीडिया के माध्यम से यहाँ की जनता जरूर ये जानना चाहेगी कि अब तक आपके कितने कैसेट रिलीज हुए हैं। कैसेट तो भैया मेरे सिर्फ अभी तक 3 कैसेट आए हैं। एक मैंने यहाँ पे बहुत बड़ी हस्ती है देवा शरीफ में वारिस सरकार के लिए, वहाँ के लिए मैंने एक कैसेट की, सबसे पहला मुझे मौका वहाँ से मिला। उसके बाद मैंने एक कैसेट की ओ मेरी माँ, जो मेरी सेकेंड कैसेट थी वो किया, फिर तीसरा एल्बम मेरा ये आया। इसका एक का ना एक 3 एल्बम आए, एक तड़प और एक हनुमान जी का है मेरी सेवा को प्रणाम, और तीसरा तो कई स्टूडियो में इसकी शूटिंग भी होती होगी, कहाँ हुआ? जी जी, सिर्फ मयंक जय माता दी म्यूजिकल स्टूडियो जो है गोंडा में, वहीं पे शूट किया गया वो, और वहीं जनपद गोंडा का नाम आपने रोशन किया। आपके माध्यम से जनपद गोंडा जाना जाता है, पहचाना जाता है, प्रदेश जनपद नहीं बल्कि पूरे भारत में आपकी कैसेट के माध्यम से लोग गोंडा को जानते हैं। ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने अपने इस संगीत की शुरुआत यानी करियर की शुरुआत कब से की, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए प्रेरणा तो घर ही से मिलती है, मेरे फादर बहुत अच्छे सिंगर थे, और बस ये माँ बाप का ब्लड में था, थोड़ा सा मुझे मिला, मेरी तालीम नहीं हुई, उसके बाद थोड़ा बहुत शिक्षा दीक्षा, मैं कहना नहीं चाहिए, कभी नाम भूलना नहीं चाहिए, मुकेश दादा एक हैं यहाँ पे, उनके सानिध्य में आया, उन्होंने मुझे कुछ बताया, फिर उसके बाद में एक आरोही म्यूजिकल ग्रुप था, उसके उसके माध्यम से मैंने ऑर्केस्ट्रा में थोड़ा सा दखल दिया, उसके थ्रू कैम्ब्रिज था, उसमें थोड़ा बहुत हमने गाया बजाया, ऐसे बस स्टेप बाई स्टेप करते गए, फिर हमारे जीवन में मैन भैया आए, उसके बाद हम लोगों ने खूब धूम धड़ाके से प्रोग्राम किया, और जो भी वैसे जाने चारों तरफ जो नाम हुआ वो मैं समझता हूँ कि उतना नाम शुरू में नहीं हुआ इतना मैं संगीत का। कब से आपने संगीत को चुना, कब से आप गाना स्टार्ट किए? देखिए भैया पारिवारिक कुछ
वो होता है काफ़ी, मेरा बीच में छूट भी गया म्यूज़िक। मैं बात तो बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि मेरे काफ़ी लंबा परिवार था, मुझे काफ़ी लाइबिलिटी भी थी, मेरी 5 बहनें छोटी थी, उनकी शादी ब्याह करनी थी मुझे, तो उसमें काफ़ी दिक्कतें थी, इस वजह से थोड़ा बहुत मेरा बीच में ब्रेकअप हुआ। लेकिन फिर ये मान के चलिए कि मेरा इस लाइन को करीब 30 साल का लगभग 30 साल का